इसी को लेके आइएगा। आईटीसी के जब दिन अच्छे शुरू होते हैं तब अगर आप देखें बाजार या एफएमसीजी का कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है कि पूरा का पूरा सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। आईटीसी पे एक टेक चेक लेते हैं। देखिए सुबह तो थी अनवाइंडिंग, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी 247.80 याद रखिएगा, जब इसकी फर्स्ट लेग की तेजी शुरू हुई थी सितंबर महीने की सीरीज में, उस फर्स्ट लेग का हाई था एग्जैक्टली अगर आप देखें ये जोन जो था करीब करीब समझ लीजिए कि 247। राजेश पालविया जी, 247 तक का रिट्रेसमेंट आपको आईटीसी में कैसा लगता है, और बिलो 247 अगर ये वो सितंबर की तेजी के हाईएस्ट क्लस्टर के अंदर एंटर कर जाएगा तो कहां तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? स्टॉप लॉसेस ट्रेडिंग पोजीशंस के बहुत ट्रिगर हुए होंगे आज, नो डाउट। आपका थॉट इस वक्त आईटीसी पर? तो बिल्कुल देखिए, आज जिस तरीके से सप्लाई स्टॉक में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4% का कट, ऑलमोस्ट अगर देखें 6% का कट ये स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिख रही, इवन यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से आज प्रेशर बना ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 242 इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां तक हमें लगता है ये स्टॉक और नीचे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब पूरा एफएमसीजी पैक में ही एक अच्छी सेलिंग बनते हुए दिख रही, तो हमें लगता है उसका इफेक्ट भी और यहाँ पे इस पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस 242 का रखना होगा, क्योंकि वो ही इसके प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल थे। वहां पे अगर इसको सपोर्ट मिलता है स्टॉक का, तो वहां से पुलबैक के चांस बनेंगे। हमें अभी लगता है कि यहाँ से स्टॉक में और सेलिंग एक्सटेंड होगी और 242 तक ये स्टॉक नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है।